जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम आज करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की शुरुआत। एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल हम करने वाले हैं और हम चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे इसको। ये जो वीडियो है वो उन सभी बच्चों के लिए काम आएगा जो एनसीईआरटी क्लास पढ़ रहे हैं, साथ में जो वैसे छात्र जो हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी को बेस मान के चलते हैं। और वास्तविक में एनसीईआरटी ही हमारा बेस होता है। यूपीएससी के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी का यदि आपने कवर कर लिया, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारे अपने प्रारंभिक चरण कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो या फिर ये जो सेशन रहेगा, हम दोनों छात्रों को ध्यान में रखते हुए कवर करेंगे। ना तो ज़्यादा हाई लेवल की बात करेंगे, ना ही लो लेवल की। जो बुक में बताया गया है जैसा भी है, हम उसको ऐसा डील करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सौरमंडल में पृथ्वी। ये हमारा चैप्टर 1 होगा आज का। ठीक है, तो चैप्टर 1 क्या कहलाता है हमारा? सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो सौर मंडल क्या होता है ये सबसे पहले देख लीजिए। यदि आप क्लास 6 के बच्चे हैं तो क्लास 5 में या फिर क्लास 6 से ही आपके स्टार्ट होता है सौर मंडल। तो पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी बोलता हूँ, जो सूर्य सूर्य और सूर्य के साथ जितने भी सूर्य है और सूर्य के साथ जितने भी उसके जो ग्रह है या फिर जो धूमकेतु हो गया, वहां धूल कण हो गए, या भी जितने भी उसमें क्या बोलते हैं उसको, उच्छल तारा वगैरह, ये सब मिलकर एक सौर मंडल बनाते हैं। ठीक है, सौर मंडल का मतलब है, सौर मतलब होता है सूर्य और मंडल मतलब उसके साथ ही। तो ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, अब इसके साथ कौन है? सारे ग्रह हैं, बृहस्पति, बुध, शनि, पृथ्वी, मंगल, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटू, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे सौर मंडल हो गए। इसके साथ साथ कुछ और कण होते हैं, धूल कण हो गया या फिर जो उच्छल तारे कहते हैं, या फिर और बहुत सारे हैं इसमें, धूमकेतु हो गया, उच्छल तारे हो गए। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये सबको हम सौर मंडल कहते हैं। मतलब एक सूर्य है और सूर्य के परिक्रमा कराने करने वाले, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह और धूल कण और शेष जितने भी पिंड है वो सब सौर मंडल कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सूर्यास्त के बाद है ना, जैसे आकाश को यदि आप देखेंगे तो आसमान में पहले एक या दो बिंदु चमकते दिखेंगे, लेकिन बाद में इनकी जो संख्या बढ़ती जाती है, आप इनकी गणना कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा है। इनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानव आकाश में हीरे जड़े और कुछ टिमटिमाते तारे प्रतीत। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ इनमें से कुछ की टिमटिमाते अन्य से अलग है और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये आपके रात में जैसे आप देखेंगे तो ये आकाश दिखेगा, इसमें से कुछ टिमटिमाते हुए चीजें दिखेंगे। ये जितने भी चीजें जो टिमटिमा रहे हैं ये आपके तारे हो सकते हैं या कोई ग्रह हो सकता है जिनका प्रकाश आपको मिला हुआ। देखिए, ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, लेकिन वो भी रात में हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यदि हम जब रात में जग देखते हैं तो बहुत सारे तारे देखते हैं। तारों के बीच में देखिए काला सा एक स्थान आपको दिखे, जितने ही काले स्थान है ना, ये आपको काला स्थान देखने को मिल जाता है। काला स्थान मतलब वहां कुछ भी चीज नहीं है, है ना, या फिर ऐसे कोई चीज है जिस पर प्रकाश पड़ रहा है और वो हम तक दिखाई नहीं दे रहा है, ये अंतरिक्ष कहलाता है इसे, है ना। ये अंतरिक्ष है आपका, ये अंतरिक्ष है और तारे टिमटिमा रहे हैं। आगे देखेंगे, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। जैसे आकाश में देखते होंगे चंद्रमा को देखते हैं, कभी चंद्रमा का आकार छोटा दिखता है, कभी बड़ा दिखता है, कभी गोल हो जाता है, कभी गायब हो जाता है। ठीक है, तो यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं, है ना, पूरा चंद्रमा कंप्लीटली एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। है, एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आप चंद्रमा को पूर्ण रूप से देखेंगे, पूरा गोलाई के साथ पूरा परिपूर्ण, उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद जैसी चंद्रमा पूर्ण आप देखेंगे, उसके बाद रोज देखते जाएंगे तो धीरे धीरे एक दिन फिर कम होगा, फिर कम होगा, जैसे इस प्रकार देख लीजिए इमेज में, ये हमारा पूर्णिमा की रात वाली चंद्रमा है। ठीक है, क्या है ये? पूर्णिमा की रात वाली चंद्रमा है, ये पूर्णिमा की रात वाली चंद्रमा है। इसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा सा कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, ये कम हो गया, अब आधा हो गया,
इस प्रकार से आप देखते जाएंगे तो 15 दिन में ये जो चंद्रमा है पूरा गायब हो जाएगा, आपको इस आसमान में चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये आपको 15 दिन बाद आप दिखेगा ही नहीं, फिर से 15 दिन के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट दिन सूर्य आ गए तो थोड़ा दिखेगा, फिर थोड़ा दिखेगा, फिर थोड़ा दिखेगा, इस प्रकार दिखते दिखते ये पूरा फिर से एक दिन पूरा आपको दिखने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जिस दिन चंद्रमा आपको पूर्ण रूप से दिखता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। और जिस दिन चंद्रमा हमको नहीं दिखता है ना, जिस दिन चंद्रमा हमको कंप्लीटली नहीं दिखता है उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं, ठीक है। उस दिन को हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। ऐसी रातों में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। फिर से पढ़ी इस पाठ को कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में बार बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद उसी चंद्रमा को आप धीरे धीरे देखेंगे। एक दिन कम होगा, फिर कम होगा, ऐसे ऐसे कम होते होते जाएगा और एक दिन पूरा ही खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब उस दिन आपको दिखाई नहीं देगा, वो इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उस रात को हम अवश्य अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के बाद धीरे धीरे फिर से वो थोड़ा दिखाई देगा, फिर थोड़ा दिखाई देगा, उसी से पूर्णिमा तक आते और पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण रूप से दिखाई देने लगता है। इसको हम चंद्रमा की कला भी कहते हैं। आगे विषयों में पढ़ेंगे या फिर आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसे हम चंद्रमा की कला भी कहते हैं। चलिए, क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय तो चंद्रमा और इन सभी छोटी मोटी चमकीली वस्तुओं को देखते हैं। जैसे देखिए इस इमेज में, देखिए ये रात का समय है, रात में हम कुछ चंद्रमा देख सकते हैं, ठीक है, या टिमटिमाते हुए तारों को देख सकते हैं। लेकिन लेकिन जैसी दिन होता है तो वो चीज हमको दिखाई नहीं देती। क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता कि हम जिस दिन समय और जिस हम दिन के समय चंद्रमा और इन छोटे छोटे चमकीली वस्तुओं को नहीं देख सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश होने के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, चलिए पिछले स्लाइड में देखा, पिछले में, कि छोटे छोटे जो जो चीजें हैं, जो तारे हैं, वो चमकते रहते हैं क्योंकि उनका प्रकाश कम है और रात में हमारे जो सूर्य सूर्य का जो प्रकाश हमको तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए जो शेष पिंडों का या फिर शेष तारों का जो चमक है हम तक पहुंचता है, ठीक है। लेकिन दिन के समय भी वो चमकते रहते हैं, लेकिन दिखता इसलिए कि नहीं है क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा है कि बाकी शेष पिंडों से या फिर शेष तारों से जो प्रकाश आता है वो हमारे आंखों को दिखाई नहीं देता, वो या फिर वो हम तक नहीं पहुंच पाता। यदि प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा आपके टीचर के माध्यम से, तो क्या चंद्रमा या चंद्रमा या फिर तारे क्या दिन को नहीं चमकते, तो जरूर चमकते हैं लेकिन वो हमको नहीं दिखते, है ना। हमने कहानियों में या फिर सॉन्ग्स में या फिर किसी गाने में देखे हैं कि रात में ही चंद्रमा चमकता है या दिन या फिर रात में ही तारे चमकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा हो या तारे हो, वो एनी टाइम चमकते रहते हैं, बस वो हमको दिखते नहीं है। दिखते नहीं है इस मतलब ये है, दिखते नहीं इसका मतलब ये है कि उसका जो प्रकाश बहुत कम हमारे पास पहुंचता है, तो आते आते उसका प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज है ना। यदि ये मान के चले कि यदि आज यदि इंडिया में आज रात का दिन है या फिर आज दिन है, तो अन्य देशों में, है ना, अन्य पश्चिमी देशों में यदि वो दिन का रात है, यदि रात है, या आज यदि आज हमारे यहाँ रात है और इसी टाइम पे अन्य देशों में दिन दिन है, तो वहां पे सूर्य चमकेगा और हमको चंद्रमा दिखाई देगी या तारे दिखाई देंगे। यदि हमारे यहाँ रात होगा तो अन्य देशों में जो जस्ट उल्टा है, भारत देश के जो पीछे है जस्ट ग्लोब के हिसाब से, तो वहां पे रात होगी तो हमारे यहाँ दिन होगा, हमारे दिन होगा तो वहां रात होगा, तो वहां चंद्रमा दिखेगा, हमारे यहाँ सूर्य दिखेगा, उनके यहाँ सूर्य दिखेगा तो हमारे यहाँ चंद्रमा दिखेगा। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा हमेशा चमकते रहता है, सूर्य हमेशा चमकते रहता है। डिपेंड करता है कि किस पिंड का या किस तारे का जो प्रकाश है वो हम तक पहुंच पाता है। आगे देखते हैं, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में दिखती हैं खगोली पिंड कहलाती है। क्या कहा हमने, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, या वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती है वो हमारे खगोली पिंड कहलाते हैं। और कुछ ऐसे चीजें हैं जो नहीं भी चमकते हैं उसको भी हम खगोली पिंड कहेंगे, ठीक है। कुछ खगोली पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं तथा इनके पास अपनी खुद की ऊर्जा होती है, खुद का प्रकाश होता है, जिससे वे बड़ी मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इन खगोली पिंडों को हम तारा कहते हैं। अब देखिए,
आसमान में जो हम जो भी है आसमान में क्या क्या है, सूर्य है, हमारा ग्रह है, पृथ्वी है, यूरेनस है, नेपच्यून है, जो भी है ना, और जो कुछ कुछ एस्ट्रॉइड बेल्ट है या फिर छोटे मोटे पिंड है, वो सभी खगोली पिंड कहलाते हैं, लेकिन सभी खगोली पिंड के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, ठीक है। और वे खगोली पिंड, ठीक है, जो गर्म है और गैसों से बना हुआ है, जो गर्म है और गैसों से बना हुआ है, जिसके पास खुद की प्रकाश है, उसको हम तारा कहते हैं। और सूर्य एक तारा है, ठीक है, सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, उसमें हाइड्रोजन, ठीक है, और हीलियम पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, इन दोनों गैसों के माध्यम से सूर्य चमकता है। और पिंडों जैसे हमारे ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, या फिर अन्य ग्रह, उन सभी को वो प्रकाश प्रदान करता है, ठीक है। यदि हमको स्कूल में पूछ दिया जाए या प्रश्न में पूछ दिया जाए कि तारों की परिभाषा क्या है, तो वैसे खगोली पिंड जिसके पास स्वयं का प्रकाश है, स्वयं का ऊर्जा है, जो गैसों से बने हुए हैं, उसको हम तारा कहते हैं। और सूर्य एक हमारा तारा है, ठीक है, सूर्य एक तारा है, उसको हमने नाम दे दिया है सूर्य, याद रखिएगा, सूर्य एक तारा है और उस तारे का हमने नामकरण किया है, या फिर हमारे खगोल विदों ने नाम किया है सूर्य, ठीक है। चलिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही दिखते हैं, ठीक है, तो वो सूर्य के समान है, सूर्य के समान ही उनका बहुत बड़ा पावर है, बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, उसी के समान है, उससे ज्यादा, लेकिन वो हमको टिमटिमाते से दिखते हैं, कि उनसे कई लाखों करोड़ों मिलियनों दूर है, ठीक है, इसलिए वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यदि वो सूर्य के समान भी अगर आसपास होते हैं हमारे ग्रह के, तो वो भी बहुत चमकते, लेकिन वो बहुत दूर होने के कारण, देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये तारा है, ये भी तारा है, ये भी तारा है, इनमें सूर्य के समान ही ऊर्जा है, ये सूर्य के समान ही ऊर्जा धारण करते हैं। तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम रात में, जैसे आज रात होगा तो देखिएगा, यदि है ना, यदि आसमान साफ है, तो हमको उस तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, वो सूर्य के समान ही है, या और वो सूर्य के समान ही है, या फिर वे तारे ही है, सूर्य के समान ही उसमें ऊर्जा है, वे भी गैसों से बने हुए और उनके पास स्वयं की ऊर्जा है, वो बहुत दूर है हमसे, इसलिए वो ज्यादा प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचा नहीं पाते हैं, या फिर पृथ्वी तक उनका प्रकाश हमारे द्वारा या हम तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, लेकिन वो सूर्य के समान ही उनके पास पावर है, सूर्य के समान ही उनके पास ऊर्जा है, प्रकाश है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर कुछ वस्तुएं हमको छोटी दिखाई पड़ती है, जैसे ये देखिए, ये एरोप्लेन है ना, या हवाई जहाज कहते हैं, या फिर हेलीकॉप्टर है, या जब भी आप हेलीकॉप्टर देखेंगे, हवाई जहाज देखेंगे, तो अधिक दूरी होने की वजह से वो हमको वास्तविक साइज से छोटा दिखाई देता है। उसी प्रकार यदि तारे बहुत दूर हैं, तो हमको छोटा दिखाई देते हैं। सूर्य हमसे पास है, या फिर सूर्य जो है अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी का पास है, या फिर पृथ्वी के पास में है, इसलिए बड़ा दिखाई देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, यदि आप इस जहाज को देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा है, ये 2-3 बसों के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन आसमान में उड़ते समय हमको एक पंछी की तरह दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, इसी वजह से बहुत सारे तारे हमको छोटा दिखाई देते हैं, ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विधियों आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहा हमने, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विधियों आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, उर्सा मेजर या फिर बिग बियर कहलाते हैं। इस प्रकार एक नक्षत्र मंडल होता है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, सप्तऋषि जिसमें 7 तारों का समूह होता है। कि सबसे पहले नक्षत्र मंडल को समझिए, नक्षत्र मंडल क्या है, कि जो सूर्य के आसपास है ना, सूर्य के आसपास जितने भी जो चीजें हैं, वो हमारा नक्षत्र मंडल कहलाता है, ठीक है, नक्षत्र मंडल कहलाता है। और इसमें से जो ऐसे 7 तारे हैं है ना, जो आपस में एक साथ रहते हैं, वो हमारे सप्तऋषि कहलाते हैं। जैसे ये वाला तारा देखिए, ये तारा ये है, ये हमारे 7 तारे हैं, ये हमेशा एक साथ रहते हैं, ठीक है, ये हमेशा एक साथ रहते हैं, इसी को हम सप्तऋषि कहते हैं।
और इसी सप्त ऋषि के सबसे ऊपर में देखेंगे तो ये ध्रुव तारा है, इसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। ये हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है, याद रखिएगा। यदि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ता भटक गए, लेकिन उस दिन चांदनी रात है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये सात तारे आपको आइडेंटिफाई करना है। इन सात तारों के एक सीध में है ना, एक आपको ध्रुव तारा दिखेगा, एक तारा दिखेगा जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा अगर दिख गया, इसका मतलब ये है कि वो उत्तर दिशा में है ना। कई बार ये कब काम होता था, देखिए प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा को जान सकते हैं। चित्र एक, जैसे मैंने बताया ना, ये चित्र एक एक है, आप देख पाएंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह तारों को इंगित करता है। ये सप्तऋषि है, इसमें हमने एक बना दिया है ना, एक पहले आइडेंटिफाई करने सात तारे कहाँ पे है, उस सात तारे के सीध में हमको देखना है ध्रुव तारा। यदि ये ध्रुव तारा दिख गया, मतलब ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। ठीक है, तो प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय में कोई कैंपास नहीं होता था, कोई भी दिशा का ज्ञान नहीं होता था। इस प्रकार से लोग रातों रात या फिर जहाजों के माध्यम से समुद्रों में आवागमन करते थे। और एक बार आप स्थल में तो पता कर पाएंगे कि कौन सी दिशा क्या है, लेकिन समुद्र में पानी ही पानी है, कौन से उत्तर है, कौन से दक्षिण है, कौन से पूरब पश्चिम, कुछ भी समझ नहीं आता। तो रात के समय कैसे करते थे, रात के समय इन तारों के माध्यम से नाविक लोग अपने रास्ता को पहचान कर चलते थे। अब कुछ रोचक तथ्य देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। देखिए ये हमारा ग्लोब है और पृथ्वी इस प्रकार से घूमता रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी घूम कैसे रहा है ये हम आगे देखेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपने प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। हमने पिछले पढ़ा ना कि कुछ खगोलीय पिंड है जिसके पास गैसें हैं और उसका खुद का प्रकाश होता है, उसको हम तारे कहते हैं। लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वैसे को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे हम प्लैनेट अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना प्रकाश प्रकाश यह अपना संपूर्ण प्रकाश या ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक होने का तारा है ना। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जिस प्रकार हम पृथ्वी पर रहकर चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा को हमको चमकता दिखाई देता है, इसमें देखिए कि हम पृथ्वी से देख के चंद्रमा को देख रहे हैं तो चंद्रमा हमको चमकती ही भी प्रतीत हो रही है। उसी प्रकार यदि हम चंद्रमा पर खड़े होकर यदि पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी। ठीक है, पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी। तो यह है हमारा सूर्य और यह हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो इसी के प्रकाश से हमारा पृथ्वी चमकाए चमकीली है, ऊर्जा प्राप्त करती है और प्रकाश प्राप्त करती है। अब कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये हमारा हो गया जुपिटर, ठीक है, और ये हो गया हमारा शनि और ये हो गया यूरेनस। ठीक है, इसके चारों ओर छल्ले हैं। छल्ले का मतलब है गोल गोल, देखिए छल्ला दिख रहा है आपको, ये छल्ले हैं, ये गैसों का बना हुआ है। ठीक है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने हुए हैं, पिंड और छोटे छोटे गैसों से बने हुए हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ये जो छल्ले जो है, हम पृथ्वी के पृथ्वी के माध्यम से या पृथ्वी में रहकर भी हम इस गैसों को देख सकते हैं, इन छल्लों को देख सकते हैं दूरबीनों के माध्यम से। और ये पृथ्वी इस प्रकार से घूमती रहती है, कहाँ से, पूरब से पश्चिम की ओर ये घूमती है। ये देख लीजिए, ये है हमारा सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल, इस अब सौरमंडल में समझ लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य के बाद हमारा बुध आता है, बुध के बाद आता है क्या चीज, सॉरी ये बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि ये हमेशा लाल रहता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। अब देखिए शुक्र ग्रह, जो कुछ ग्रहों के जो टुकड़े हैं ना, कुछ छोटे छोटे पिंड है, एस्टेरॉयड है, धूमकेतु है, या फिर जो कहें, ये छोटे छोटे ग्रह है, बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे, या कचड़ा कहे या जो कहे, छोटे छोटे पिंड है, ठीक
ठीक है, इसको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह की पेटी। छोटी छोटी ग्रहों के या फिर छोटी छोटी पिंडों का एक बेल्ट है ये, ठीक है। इस बेल्ट के बाद ये बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है और नेपच्यून है। तो आपको कई बार ये देखने को मिलेगा कि कुछ चीजों को पार्थिवी ग्रह कहते हैं। तो ये बुध हो गया, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल, इसको हम पार्थिवी ग्रह कहते हैं, मतलब पृथ्वी के समान ग्रह। और बाकी ये जो ग्रह आप देख रहे हैं ना, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और यूरेनस, और ये सब गैसों का बना हुआ है, आप यहाँ खड़ा नहीं हो सकते। इस प्रकार हम पृथ्वी में खड़े हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सब करते हैं, ठीक है। शुक्र में भी रह सकते हैं, बुध में भी और मंगल में भी, लेकिन बृहस्पति, यूरेनस और शनि, नेपच्यून में आप इस प्रकार से नहीं हो सकते, क्योंकि ये गैसों का बना हुआ है, ठीक है। ये गैसों का बना हुआ है, गैसों और धूलकण का बना हुआ है, ये सॉलिड नहीं है, ये गैस है, ठीक है। ये सॉलिड नहीं है, ये गैस और धूलकण से बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारा ग्रह, देखिए पृथ्वी कुछ इस प्रकार ग्रहों से है, और ये अपने अपने कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखते हैं कुछ बातें। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल, सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को हम सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्द आप चाहें तो लिख सकते हैं। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह, जिस प्रकार पृथ्वी एक ग्रह है और उस ग्रह का भी उपग्रह, देखिए इसको आराम से समझिए। ये जो पृथ्वी है इस सूर्य का चक्कर लगा रहा है इस प्रकार से, ठीक है, इस सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन सूर्य हमारे पृथ्वी का भी चक्कर लगाने वाला एक ग्रह है। देखिए ये हमारे पृथ्वी का चक्कर लगा है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सन बना देता हूँ, ये हमारा सन हो गया, ये सन हो गया, और ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, इसको हम अर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार इस सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा दिया, कभी यहाँ कभी यहाँ तो कभी यहाँ। उसी प्रकार इस पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए भी एक ग्रह है, ये इस पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये जो है इस पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं, और पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है। तो ये पृथ्वी तो ग्रह है, और जो ग्रह का भी चक्कर लगाए वो होता है हमारा उपग्रह, ठीक है। तो उपग्रह मैनमेड भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, और पृथ्वी के असंख्य प्राकृतिक सॉरी मानव निर्मित उपग्रह है, जो जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे उसको, उसके बारे में, ठीक है। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर, मतलब पृथ्वी के साथ घूमने वाला, चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान सात अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और उष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास भी चंद्रमा है, मतलब इनके पास भी उपग्रह है। हमारे पास उपग्रह, उसका हमने नाम चंद्रमा रख दिया, बाकी ग्रहों के पास भी उपग्रह है। जैसे ये बृहस्पति हो गया, इसके पास बहुत सारे उपग्रह है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे ग्रहों के पास अपना खुद का उपग्रह भी है। अब सौर मंडल देखिए, तो सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोली पिंड मिलाकर, ठीक है, जैसे हमारा क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सब मिलाकर सौर मंडल बनते हैं। देखिए अब सौर मंडल क्या क्या हो गया, एक सूर्य हो गया, ठीक है, इसमें ग्रह हो गए, ग्रह के बाद ये उपग्रह भी हमने देख लिया, उपग्रह के बाद ये जो छोटी छोटी जो हमारे इस इमेज में देखिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस इमेज सौर मंडल में क्या होगा, हमारा एक सूर्य है, ग्रह है, ग्रह के बाद एक हमारा उपग्रह भी है, उपग्रह के साथ साथ ये देखिए ये जो छोटे छोटे धूमकेतु हैं, उल्का पिंड है या छोटे छोटे पिंड है, ये हमारे आ जाएंगे, और साथ में ये शेष उपग्रह, तो ये सभी मिलाकर सौर मंडल कहलाता है, जिसका मुखिया होता है सूर्य। अब हम सूर्य के बारे में समझते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ये देखिए केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा ग्रह है और एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे ये सौर मंडल है, तो ये सौर मंडल इस बुध को खींच रहा है, ये जो सौर मंडल का गुरुत्वीय बल इसको खींच रहा है, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को, इन सब क्षुद्र ग्रहों की पेटी को, और यहाँ तक कि इस बृहस्पति और यूरेनस और शनि को भी अपने ओर खींच के रखा है। इसी वजह से ये लोग इस सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं ना। जिस दिन इस सूर्य से इन ग्रहों का खिंचाव कम हो गया या खत्म हो गया, तो मे बी
ये अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे या फिर ये सौरमंडल से अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखे। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य देखिए, सूर्य कुछ इस प्रकार से दिखे, बहुत धधकता हुआ लावा है ना। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन है, और हीलियम का हाइड्रोजन का संलयन होना है ना। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है कि नाभिकीय विखंडन होता है, तो नाभिकीय संलयन ही सूर्य के ऊष्मा का और ऊर्जा का कारण है। ठीक है, तो यही सूर्य जो हमारे पूरे सौरमंडल को बांध कर रखा है, वह अपनी ओर खींच रहा है धीरे धीरे, और इसी खिंचाव बल की वजह से ये इनके चारों ओर घूमते रहता है, और स्वयं सूर्य भी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। ग्रह देख ले तो हमारे पास सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। मतलब सूर्य की दूरी के हिसाब से पहले बुध आएगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ठीक है, ये हमारे 8 ग्रह होंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह ये देखिए इस प्रकार से घूमते रहते हैं। ठीक, इस प्रकार से घूमते रहते हैं सूर्य के लिए, सूर्य सेंटर में है और सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिसको हम कक्षा कहते हैं, है ना। कक्षा क्या कहते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। ये जो देखिए, ये जो है शनि केवल इसी लाइन पे घूम सकता है, जुपिटर जिसको हम बृहस्पति कहते हैं वो अपने इस कक्षा पर घूम सकता है, मंगल अपने कक्षा पर घूमेगा। मतलब कई बार ऐसे आपके दिमाग में बात आया होगा कि ये सभी ग्रह आपस में टकराते क्यों हैं घूमते घूमते, तो ये अपनी कक्षा पर चक्कर लगाते हैं, अपनी कक्षा को छोड़ते नहीं है, है ना। पृथ्वी के जितने दूरी पर है वो उतने ही दूरी पर चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए उसमें एक्सीडेंट नहीं होता, आपस में लोग भिड़ते नहीं है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 28 दिन लेते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों एक चक्कर लगाने, बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, और ये अपनी कक्षा में है ना सूर्य के चारों ओर 88 दिन में लगा लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु एक अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन में अपनी बैठक में जो 2006 में हुआ था, यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य ग्रह का पिंड है ना, पिंड तथा प्लूटो ग्रह, प्लूटो को बौने ग्रह में रख दिया गया। अभी भी जो प्लूटो अपने जगह पर है, लेकिन ग्रह की एक कोई डेफिनेशन होता है ना, तो उसे ग्रह न मानकर एक बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। अब देखते हैं शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण ना। यह 2 ग्रीक अक्षरों से मिलकर बना होता है, इसमें होता है जी, इसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिका मतलब होता है लिखना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इस प्रकार से आप जियो से जियोलॉजी बना सकते हैं, जियोमेट्री बना सकते हैं, जियोलाइट बना सकते हैं। और कुछ जानने योग्य बातें क्या है देख लीजिए। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित, खगोल पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परवर्ती सूर्य प्रकाश की कारण चमकते हैं। देखिए, एक पुराने जो हमारे खगोल शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि ये पहले बता दिया था कि जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं वो सभी जो प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। अब हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी क्या है, देखिए पृथ्वी 3रे नंबर का ग्रह है ना, तो ये हमारा बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, और ये पृथ्वी हो गया। अब हम पृथ्वी के बारे में समझते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है 3रे नंबर का ग्रह है। देखिए ये 1, 2 और 3। ठीक है, आकार के हिसाब से ये 5वां है, आकार के हिसाब से हमारा ये 5वां बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, मतलब सूर्य पूरा गोल नहीं है, थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से चपटा हुआ है, ये पूरा पूरा गोल नहीं है, बीच में थोड़ा सा पचका हुआ है।
यही कारण है कि इसके आकार को हम भू आप या फिर जियोड कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं जियोड। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी जलवायु उपस्थित है जो हमारे जीवन को आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि हम यदि पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी में जलवायु है, पानी है, सब कुछ है। इसके अपेक्षा इस बुध में या शुक्र में या फिर इस मंगल में हम यहाँ जीवन की संभावना नहीं देखते हैं। ना ही वहाँ पे पानी है, ना प्रकाश, सॉरी, ना वहाँ पे पानी है, ना जल, जब ना ही जलवायु है कुछ। बुध जो इतना सूर्य के पास ग्रह, इसलिए बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, बाकी जो पार्थिवी ग्रह से बाहर जो हमारे पिंड है, बाह्य ग्रह, जैसे ये बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और अन्य ग्रह हैं, ये जो गैसों से बना हुआ है, धूल कण से बना हुआ है, यहाँ जीवन की संभावनाएं न के बराबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम जीवन की संभावना व्यक्त नहीं कर सकते। सौर मंडल में केवल पृथ्वी ऐसा है जिसमें हम जीवन की कल्पना करते हैं और जिसमें जीवन जिया जाता है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, इसी कारणों से पृथ्वी के सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इनकी दो तिहाई स्थानों पर, पृथ्वी के दो दो तिहाई जगहों पर पूरा पानी है। उसी पानी की वजह से ये हमको नीला दिखाई देता है, इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। अब सूर्य से उनकी दूरी के हिसाब से आप शॉर्टकट इस प्रकार से याद कर सकते हैं, वेरी माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने चंद्रमा की बात की थी, तो चंद्रमा क्या है? हमारा एक उपग्रह है। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल एक चौथा है, मतलब ये बहुत छोटा है, हमारे पृथ्वी से एक चौथाई छोटा है। हमारे पृथ्वी का ये 50-25% है या फिर उससे भी कम का स्थान, उससे भी कम है या फिर बहुत छोटा ही है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नजदीक है। चंद्रमा बड़ा होने के कारण ये है क्योंकि वो हमारे अन्य ग्रहों से या फिर अन्य तारों से, ये पृथ्वी से बहुत पास है। कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। जैसे ये रॉकेट है, इस प्रकार से रॉकेट भी हम भेजते हैं अंतरिक्ष में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी घूम लेता है। अब इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है। दूसरी बात, वो पृथ्वी एक एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का जितना समय लेते हैं, उतना ही समय में वो क्या करता है, अपना खुद का एक चक्कर लगा लेता है। इसलिए हम चंद्रमा का केवल एक भाग ही देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। इसीलिए चांद हमको थोड़ा धब्बा दिखाई देता है। वो चांद धब्बा नहीं है, वहां कुछ गड्ढे हैं, कुछ पर्वत हैं, जहां यदि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है या फिर पृथ्वी का प्रकाश वहां से नहीं पड़ पाता है, तो वैसे चीज वैसे जगह, वैसे स्थान जहां पे प्रकाश नहीं पड़ता है, वह हमको काला काला दिखता है। उसी को कहा जाता है चंद्रमा में धब दाग है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आसानी से हम देख सकते हैं। जिस दिन पूर्णिमा में हम पूरे चांद को देखते हैं, उसमें हम कुछ कुछ जगह हमको कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, काले दिखाई देते हैं। काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वहां पे कोई भी वहाँ का जो स्थान है काला है, काला होने की वजह से वहाँ कोई प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए। ठीक है, अब ये देख लिए उपग्रह की बार ऐसे देखिए, हमारा मैन मेड उपग्रह है ना, जो इंसानों द्वारा बनाकर भेजा गया है, टेलीविजन के लिए या फिर अन्य सिग्नल के लिए भेजे भेजे जाने वाला ये हमारा एक उपग्रह है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे उपग्रह भी हैं, अचंद छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह भी हैं। ठीक है, अचंद असंख्य छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं, ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे हमने देखा था ना, एक बेल्ट देखा था बीच में, ये देखिए, ये सब क्षुद्र ग्रह हैं हमारे। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह
ग्रह के भाग है, यहाँ पे पहले कुछ ग्रह रहे होंगे, वो अचानक विस्फोट होकर टूट गए, उसी ग्रह के टुकड़े हैं ये सब, जो क्षुद्र ग्रह हैं। वहां पे एक ग्रह था, उसी वो ग्रह विस्फोट होने के बाद यहाँ छोटे छोटे टुकड़े बन गए, इसी को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर छोटे छोटे टुकड़े, यही यहाँ क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु का घर्षण होता है। देखिए क्या होता है, ये जो क्षुद्र ग्रह है ये कभी कभी चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के पास आ जाते हैं। पृथ्वी के पास कहने का मतलब है ये अपना क्या कह सकते हैं कि अपने कक्षा को छोड़कर अन्य कक्षा में पहुंचकर धीरे धीरे पृथ्वी में पहुंचने लगते हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण की वजह से जलने लगते हैं। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल कम से कम 100 किलोमीटर चौड़ा है ना, 100 किलोमीटर चौड़ा ना बोल के 100 किलोमीटर की मोटाई है। जब ग्रह या शुद्ध ग्रह उस वायुमंडल से घर्षण होता है तो उसमें आग लग जाती है। ठीक है, आग लगने से वजह से वो जलने लगते हैं, तो इसको हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, वास्तव में उल्का पिंड कोई अलग से चीजें नहीं है। जब ये जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं जब पृथ्वी के पास आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा कर गर्म होकर जलने लगते हैं, तब हम इनको उल्का पिंड कहते हैं। इस प्रक्रिया में दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। सोचिए हमारे पृथ्वी पर यदि कोई उल्का पिंड कोई छोटा मोटा नहीं होता है ना, एक देश के बराबर भी हो सकता है, उसका जो साइज है एक देश के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, या उससे बड़ा या उससे छोटा। जब ये हमारे पृथ्वी पर गिरते हैं तो वहां पृथ्वी पर गड्ढे होंगे और हमारे पृथ्वी की जो जो भार है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या आपने तारों वाले खुले आसमान को एक और दूसरी ओर चौड़ी सफेद पट्टी को एक देखा है? ठीक है, ये सफेद पट्टी है थोड़ा, है ना, यह लाखों तारों का समूह होता है, इसको हम आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा कई बार पृथ्वी पर देखिए, कई बार आकाश में देखेंगे एक व्हाइट पट्टी नजर आती है, जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक व्हाइट पट्टी है, ये असंख्य तारों का समूह है, इसी को कहा जाता है आकाश गंगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है आकाश गंगा। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है या जटिल है। वैज्ञानिक भी अभी भी पता नहीं लगा पाए हैं कि कितने तारे हैं, आकाश गंगा कितना बड़ा है, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक है, ये अभी भी हमारे लिए सोच का विषय है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा।